आज कंधे पे भी फट रहा था निवेश था भैया एक सर साथ में आ जाए। हाँ क्या बात है। हाँ भाई हाँ भाई एक साथ में सर वही मना कर रहे हैं सबसे ज्यादा बुलाने वाले लोग। भाई मुझे भी ले लेना ना कब से नहीं लिया बोलेगा जरूर ओवरवेलमिंग बिकॉज ये एक बहुत ही परफॉर्मेंस ओरिएंटेड सॉन्ग था। आई गेस इट वॉज अ वेरी डिफरेंट एक्सपीरियंस एंड ओवरऑल आई थिंक एवरीबडी हैज़ बीन वेरी पॉजिटिव अबाउट इट एंड देव ऑल आई थिंक रियली अप्रिशिएटेड द वीडियो बिकॉज हमने यू नो कुछ डिफरेंट एग्जीक्यूट करने की कोशिश की थी तो इट्स बीन ब्रिलियंट सो फार। आप क्या कहना चाहेंगे काफ़ी अमेजिंग जितने भी आज तक के सॉन्ग आते हैं काफ़ी अमेजिंग रहते ही है ये सब चैनल में बट ये काफ़ी डिफरेंट जॉनर मुझे लगा एंड स्टोरी लाइन भी काफ़ी डिफरेंट थी अब तक। व्हाट वुड यू लाइक टू से अबाउट द रिस्पॉन्स। हम लोग के अभी रेगुलर सॉन्ग्स जो आ रहे हैं वो पूरे रोमांटिक आ रहे हैं पूरे रोमांस गाने आ रहे हैं पूरे अभी थोड़े से हटके हमने किए हैं तो नीबू एंड गोल्डी ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया इसमें आपने देखे लास्ट में एकदम मतलब इन्हें वर्सेटाइल एक्टिंग की इनने इतना डिफरेंट सा। गोल्डी मैं आपकी सॉन्ग की बात करूँ तो बहुत ही कमाल का सॉन्ग मुझे लगा शुक्रिया बहुत पसंद आया शुक्रिया। मैं बात करूँ तो आप कंपोजर भी हो रिलिक्स भी आप ही का है सिंगर भी आप और कमाल की एक्टिंग की है आप। अरे शुक्रिया बहुत प्यारा लगा शुक्रिया। किस तरह का एक्सपीरियंस था। एक्चुअली ये बिट चैलेंजिंग था मेरे लिए मतलब एज यू नो आई एम नॉट एन एक्टर आई एम अ सिंगर। मैं फोकस करता हूँ टू मेक न्यू सॉन्ग्स फॉर माय फ्यूचर प्रोजेक्ट्स बट वन डे सडनली रामजी भाई मैसेज मी के गोल्डी चेक द स्क्रिप्ट। तो मैंने सोचा कि स्क्रिप्ट होगा कोई नॉर्मल रोमांटिक वीडियो होगा एंड थोड़ा रोना धोना तो ज़रूर होगा क्योंकि मैं रोया करता था ऐसा मैंने लिखा है सो बट यू नो रामजी गुलाटी and he's extremely talented United White Flag team. So the moment I read the script, I was like, yes, bomb pheka hai. हाँ जी तो यही स्टोरी इन्होंने ही लिखा है जो यूनाइटेड व्हाइट फ्लैग की टीम है ये टीम के तरफ से ही हुआ है ऐसा। So, yes. यूनाइटेड व्हाइट फ्लैग में अब तो बहुत सारे प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं अभी मैं सरप्राइज फोड़ना नहीं चाहूँगा एक्चुअली कि आगे बहुत ही दिग्गजों के साथ काम कर रहे हैं रामजी सर एंड जितिन सर तो बहुत ही ज़्यादा अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट्स आने वाले हैं आप लोगों को दिख रहे हैं हमारे तरफ। जो आपका ये लेबल है ये जो इंडस्ट्री के बड़े लेबल्स हैं उनके सामने खड़ा हो पाएगा और अपनी खुद का नाम जो कि डेलीगेटी सीरीज हो गया और बाकी के टिप्स म्यूजिक है ये सिंगल हेडेडली पूरी म्यूजिक इंडस्ट्री को भी लीड कर रहे हैं सो डू यू हैव मोटिव समवेयर टू मेक इट द सिंगल लीडिंग इन द इंडस्ट्री।
100% आई बिलीव दैट वी हैव अमेजिंग आर्टिस्ट विद अस, जैसे कि जितिन सर ने चुन चुन के आर्टिस्ट को चुना, जैसे कि उनमें से मैं भी एक हूँ, राइट ऐसा है तो 100% टॉप कंपनियों को टक्कर तो 100% देंगे सर, क्या बोलते हो आप? ये कंपटीशन तो नहीं कर रहे हम, वी आर डूइंग आवर बेस्ट. एग्जैक्टली, वी आर डूइंग आवर बेस्ट. जतिन सर, कैन यू शेयर योर व्यूज ऑन दैट? सॉरी, कैन यू शेयर योर व्यूज ऑन दैट? जो मैंने बोला, जो उन्होंने पूछा. हाँ, नहीं आपने पूछा कि आप बाकी लोगों के साथ में उस लेवल पर आ सकेंगे क्या, लेकिन दैट इज़ अप टू पब्लिक. हम लोगों को कितना लाइक मिलता है, हम लोग कितना प्यार करते हैं पब्लिक, उनका जैसे डिमांड होता है वैसे हम लोग सॉन्ग्स बना रहे हैं. तो हमारे चैनल को लोग बहुत ज़्यादा लाइक कर रहे हैं, बहुत कॉल्स आ रहे हैं बाहर से, आउट ऑफ इंडिया से बहुत कॉल्स आ रहे हैं, दुबई से कॉल आ रहे हैं, ये पाकिस्तान से कॉल आ रहे हैं कि आपके वीडियोज़ बहुत अच्छे बन रहे हैं और बनाते रहिए. उनके रिक्वायरमेंट के हिसाब से हम लोग अपने अपने वीडियो बनाते रहते हैं हम लोग. कौन सी वाली? बिल वाली. मैं वही सवाल वाली. कौन सी आपको सबसे पसंद है? यार ये भी कोई सवाल है. आई थिंक डेबल वाली अच्छी थी, थोड़ी डिफरेंट थी, थोड़ी यूनिक थी और थोड़ी फनी थी. थोड़ा एक फन एलिमेंट उसने ऐड किया था सॉन्ग में. एंड ऑब्वियसली सेकंड वाली तो बहुत ही ज़्यादा आर्टिस्टिक थी एंड बहुत ही मेहनत से बनाई हुई थी. नहीं नहीं, एक्चुअली हमने उस पर रीवर्क किया था क्योंकि उतना टाइम नहीं था शूट के दौरान के रियल में बना. मैं बनाता हूँ रियल में, वैसे थोड़ी ना दिखता हूँ, बट रियल में वैसे भी नहीं दिखती, बहुत ज़्यादा खूबसूरत थी. केमिस्ट्री इज आल्सो लुकिंग वेरी गुड, काफी अमेजिंग लग रही. कोई कुछ आप बताना चाहोगे ड्यूरिंग द शूट? शूट की तरह एक्चुअली लगा नहीं, बहुत ज्यादा कंफर्टेबल था. एंड आई थिंक गोल्डी इवन एज अ को-स्टार वाज वेरी सपोर्टिव. मतलब यू नो व्हेन योर को-स्टार नोज हिज जॉब और एग्जैक्टली लाइक व्हेन दे आर ऑन द सेम पेज एज यू ना, तो काफ़ी ईजी हो जाता है टू परफॉर्म एंड टू एक्चुअली यू नो बी ऑन सेट. तो वही हुआ एंड इट वॉज अ वेरी लवली एंड लाइक प्लेजेंट एक्सपीरियंस. मतलब कॉन्सेप्ट का क्रेडिट पूरा जाता है यूनाइटेड व्हाइट फ्लैग टीम को, क्योंकि हम तो मैंने तो सिर्फ गाना बनाया है. मैंने ये सोच के बनाया था कि एक प्यारा सा सैड सॉन्ग होगा जो सुनने में भी बहुत मेलोडियस लगेगा, बट कॉन्सेप्ट पूरा डिज़ाइन किया यूनाइटेड व्हाइट फ्लैग में. एंड हैट्स ऑफ टू रामजी भाई एंड हिज एक्सीलेंट टीम. सो यही है सर. आप क्या कहना चाहिए कॉन्सेप्ट को लेके एंड स्पेशली टाइटल को लेके? फर्स्ट चॉइस था टाइटल या फिर देयर वाज अदर टाइटल चॉइस? नहीं, फर्स्ट चॉइस ही था ये. एंड इसके कास्ट में भी हमने बहुत ज़्यादा वर्कआउट किए हैं, फिर बोले कि गोल्डी कर पाएंगा नहीं कर पाएगा पता नहीं था. गोल्डी इतने एक्टिंग करता है करके गोल्डी ने भी वो चैटिंग किया. एंड में निवेदिता ने भी वो जो ट्रेस दिया वो भी कमाल का था. एंड स्पेशली जो किरदार था, जो हटके किरदार था, हाँ जी, वो काफी अच्छा लग रहा. अभी भी प्ले हो रहा था, पीछे देख रहा था. उसके बारे में किस तरह की प्रिपरेशन थी उस स्पेशली उस किरदार को लेकर? प्रिपरेशन मैंने जैसे कि पहले भी कहा कि मेरी कोई प्रिपरेशन थी नहीं, क्योंकि मुझे नहीं पता था कि ये आने वाला है मेरे पास, क्योंकि रामजी भाई ने बॉम्ब फेंका मुझ पर कि ये करना है. तो आई वॉज लाइक, बट वेरी ऑनेस्टली मैं बहुत खुश था उस चीज़ के लिए. आई सॉ एन अपॉर्चुनिटी इन दैट मैसेज एंड इट वॉज लाइक आई वॉज अबाउट टू लाइक यू नो आई वॉज वेटिंग फॉर दिस थिंग टू डू. सो मुझे बहुत अच्छा लगा एंड उसको पॉजिटिविटी में कन्वर्ट करके मैंने सोचा कि नहीं करना है. मैं ना नहीं बोलूँगा और रामजी भाई को बोला कि मैं कर सकता हूँ करके. एंड आपसे मेरा सवाल रहेगा, सोशल मीडिया की मैं बात करूँ, काफ़ी अमेजिंग है आपकी सोशल मीडिया की गेम, काफ़ी अमेजिंग मुझे लगती है. रिस्पांस काफ़ी, कोई भी तस्वीर पर आपके अच्छे रिस्पांस होते हैं. बट मैं गाने को लेके जब फर्स्ट लुक आपने रिवील किया था तो क्या कुछ रिस्पांस था एंड अब किस तरह का रिस्पांस है लास्ट 24 घंटे में? यार जैसे कि मैंने पहले भी कहा था, बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव रिस्पांस है सोशल मीडिया पे. टचवुड मुझे बहुत ज़्यादा प्यार मिलता है, यू नो फैन से, जो मुझे जानने वाले भी मेरे दोस्त है, यू नो को वर्कर्स है, को एक्टर्स है, उन्होंने भी बहुत ही अच्छा और पॉजिटिव रिस्पांस दिया. इनफैक्ट यू नो लोगों ने मुझे खुद से सामने से मैसेज करके बोला है कि प्लीज़ आप ये लिंक शेयर कीजिए, बहुत ही अच्छा आपका वीडियो लग रहा है, बहुत ही कुछ डिफरेंट है. एंड ऑब्वियसली परफॉर्मेंस ओरिएंटेड था तो यू नो एज एन एक्टर भी बहुत लोगों को यू नो एक न्यू शेड देखने को मिला.
थोड़ा परफॉर्मेंस और यू नो टैलेंट पे काम करने का मौका मिला मुझे. सो इट्स बीन वेरी वेरी वंडरफुल सोशल मीडिया पे. सर आपसे जानना चाहूँगा, हु डज द कास्टिंग पार्ट कोई भी गाने को लेके? कास्टिंग पार्ट हम लोग मिलके ही करते हैं, राम जी मैं ने राजेश जी करके, हम तीनों मिलके करते हैं. एंड व्हाट आर द क्राइटेरिया बेसिकली? नहीं, वी लिसन टू द सॉन्ग फर्स्ट एंड उसके हिसाब से जो सूट होता है सॉन्ग के ऊपर वैसे करते हैं, उसके हिसाब से कास्टिंग करते हैं. एंड टॉकिंग अबाउट दिस कास्टिंग, तो ये कैसी कास्टिंग थी? गोल्डी साथ में हम लोग एल्बम भी करने वाले अभी, तो अभी फ्यूचर में इसके बहुत प्लान्स है. एंड ऑफकोर्स निवेदित के साथ में भी करेंगे. इसका केमिस्ट्री इन दोनों की बहुत अच्छी लगी है. अच्छी लगी एक्चुअली. मेरा सवाल ये था कि इस सॉन्ग को लेके कास्टिंग किस तरह से ये दोनों पैर हुए हैं, क्योंकि मैं पिछले सॉन्ग्स की मैं जो भी बात करूँ एक साल की मैं बात करूँ अलग डिफरेंट कास्टिंग में ये हुआ है, तो इस कास्टिंग को लेके स्पेशली निविदा को लेके किस तरह कास्टिंग? सी वी ऑलवेज ट्राई न्यू कास्टिंग, मतलब न्यू फेसेस, न्यू कुछ चेंज हो जाए कुछ पुराने कास्ट. पुराना तो क्या है, कई लोग के पैर बने हुए हैं सॉन्ग्स में, तो हम लोग सोच रहे कि कुछ नया करें, हम नए पेयर्स लेके आए, नया कास्ट करें एंड उनको प्रमोट करें. आपसे जानना चाहूँगा, यू डिड वन रियलिटी शो एंड देन पीपल आर आस्किंग रियलिटी शोज, और आपके सबसे अच्छे दोस्त की मैं बात करूँ, प्रतीक की मैं बात करूँ, उन्होंने तो हर बॉक्स टिक की है. व्हाट अबाउट अदर रियलिटी शो, अगर आपको जैसे बिग बॉस हो गया, खतरों के खिलाड़ी हो गया, यू डिड स्पिरिचुअला, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग? या या करेक्ट. सो बाकी सारे रियलिटी शोज के आपको ऑफर्स आते हैं, यार ऑब्वियसली यू नो आई थिंक प्रतीक हैज़ डन ब्रिलियंटली. उसने यू नो इज़ मेड अ मार्क फॉर हिमसेल्फ एंड आई एम वेरी वेरी हैप्पी फॉर हिम एंड आई एम वेरी प्राउड ऑफ हिम. एंड रियलिटी शोज़ की अगर बात की जाए तो ये स्प्लिट्सविला वॉज माई फर्स्ट रियलिटी शो, तो यू नो वो करके काफ़ी कुछ सीखने को मिला. एंड देन आई स्विच टू फिक्शन एंड आई स्टार्टेड गेटिंग इन टू एक्टिंग. बट डेफिनेटली आई थिंक जो रियलिटी शोज़ की ऑडियंस होती है वो बहुत डिफरेंट होती है, वो बहुत वर्सटाइल होती है. एंड आई थिंक हर घर में लोग अपने फेवरेट आर्टिस्ट्स को या एक्टर्स को रियलिटी शो में देखना पसंद करते हैं. तो 100% अगर बिग बॉस हो या खतरों हो, ऐसा कोई भी अगर यू नो ऑफर मुझे आया तो 100% आई विल टेक इट अप. एक डिफरेंट एक्सपीरियंस होगा, ऑब्वियसली चैलेंजिंग होगा, बट आई थिंक उसी में मज़ा है. गुड़ी, आपका मेन फोकस क्या रहता है? Do you have that reality show as a main focus, or you do singing, lyrics, जो आप करते हो वो main focus रहता है? मैं खुश हूँ म्यूजिक में. मैं बहुत खुश हूँ म्यूजिक में ही मेरा पूरा फोकस है. एंड लिरिक्स लिखना मेरा एक पैशन बन गया म्यूजिक बनाते बनाते. सो मेरा पूरा फोकस मेकिंग न्यू ओरिजिनल सॉन्ग्स. रिक्रिएशन भी हम कर रहे हैं लेकिन ओरिजिनल सॉन्ग्स में मेरा पूरा ज़्यादा फोकस्ड. डू यू हैव एनी इंस्पिरेशन, किसको आप लोग लुक अप करते हो? इंस्पिरेशन ऐसा तो माइकल जैक्सन ही है, क्योंकि आई डांस एज वेल, तो माइकल जैक्सन से मैं बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड हुआ हूँ कि मुझे ऐसा ही कुछ करना है, स्टेज पे भी वैसा ही प्रेजेंट करना है अपने आप को. तो इंटरनेशनल एक्सपेक्टिंग समथिंग एल्स, मैं अरिजीत सिंह सुन, क्योंकि आप हमेशा सैड सॉन्ग की तरफ ही आपका मेन फोकस रहता है. हाँ, वही पार्टी नंबर एंड वही मुझे बदलना है. अभी आते ही हमने वही बात किया कि गोल्डी अभी नेक्स्ट कुछ तड़कता भड़कता करते, बहुत रुला दिया लोगों को, लेकिन हाँ इसके बाद तो सारे पार्टीज नंबर ही आने वाले हैं. ये दोनों को फिर से पार्टी नंबर पे देख पाएंगे क्या? सैड सॉन्ग ही कंटिन्यू? नहीं नहीं, पार्टी करने वाले गोल्डी से भी बात भी हुई थी मेरी, क्योंकि गोल्डी का एक सॉन्ग आया था, कौन सा सॉन्ग था, पार्टी होने वाली है, शादी होने वाली है, वो ऑलरेडी 11 मिलियन पहुँच गए एंड रेमो सर के लेवल पे है वो. तो वो सॉन्ग गोल्डी ने लिखा है, कंपोज किया है, लिखा है, सब अपना ही गाना है. दो लाइनें सुनना चाहूंगा आपकी आवाज से. 100% सब लोग साथ में गाते हैं. मुझे तो पता नहीं, बट आई वुड लव टू हियर. ओके, स्टार्ट से गाता हूँ. थोड़ी तकलीफें हैं जीने में, दिल ये भर बैठा है सीने में, पिछले सावन की बस यादें है, आज तन्हा बारिश के महीने में, मैं रोया रोया करता था रात भर, रोते रोते मैं सोया करता तुझे याद कर, अब तो ये दिल रहने लगा तेरे बिना, ये दिल तेरे बिन अब रहने लगा
धीरे धीरे गम भी सहने लगा, मैं खुश हूँ मुझे कोई गम नहीं, फिर भी आंखों से पानी बहने लगा। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। एमसी स्टैन तो भाई छा गया अभी बहुत ज्यादा, मैं तो कुछ नहीं बोल रही। 100% कोशिश तो रही है हमारी हमेशा से, और वो सब ऊपर वाले के ऊपर है कि कब वो हमें उस मुकाम पे पहुंचाएगा, लेकिन हम हमारी मेहनत पूरी शिद्दत से कर रहे हैं। बाकी सब सर है हमारे साथ, ऐसे आर्टिस्ट हैं हमारे पास, तो और क्या चाहिए। Yes. I had a word with Shadmani before Yeah, honestly, it's been a wonderful journey for me. Sach mein, there is so much, you know, that has happened, and there's been like a transition of a lot of things in this journey. And upcomingly, like you said, Teddy Bear is a short film जो हमने Hotstar के लिए किया है, वो भी बहुत जल्द release होने वाला है. And there are a lot of things in the pipeline that I have planned, and hopefully if all goes well, then you'll see a lot more, you know, music videos, web series, and hopefully television as well. Thank you so much, guys. Thank you so much. Thank you.